पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अरविंद धाकड़ चकराना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य मंत्री राठेड़ा के विकास पर लगाए आरोप। पोरी रेस्ट हाउस पर आज पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अरविंद धाकड़ चकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठेड़ा के दोबारा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर लगाए आरोप। कांग्रेस नेता अरविंद धाकड़ चकराना ने यही नहीं रुके, भाजपा के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के दोबारा विकास कार्य न कराए जाने पर जमकर निकाली भड़ास। एक एक कर गिनाए उनके किए गए झूठे वादे। आगे कहा, उन्होंने बोरिया भरकर केवल नारियल फोड़ने का काम करते हैं। राठेड़ा मंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह भरे मंच से कहा था कि आने वाले चुनाव में अगर सरकुला डैम का काम पूरा नहीं करा पाया तो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। भाजपा ने जनता को झूठे सपने दिखाए। डबल इंजन की सरकार का पहिया पंचर हो चुका है। आपने जनता के मत को 35 करोड़ में बेचा, इस्तीफा दिया। पोहरी विधानसभा के 3-3 मंत्री और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सिर्फ नारियल फोड़कर उद्घाटन करने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया। जनता ने अपने मत देकर सबसे राज्य मंत्री राजखेड़ा को राज्य मंत्री बनाया है। तब से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पोहरी विधानसभा क्षेत्र में चोरी डकैती नहीं होती हो। जब पुलिस दोबारा चोरों को पकड़ना नहीं जाती है तब जनता दोबारा चोरों को पकड़ी जाती है, तो भाजपा के नेताओं के फोन पर चोरों को छोड़ दिया जाता है। आगे अरविंद बोले, बैराड़ पोहरी नगर परिषद जनपद पंचायत पोहरी क्षेत्र में सड़कें लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बैठे भाई, बैठे बैठे आओ, बैठे आओ, बैठे आओ। 2 मिनट चर्चा हो जाए तो तुमने कहा था मेरा तुम्हारे से मैं पहचान तो कर लो कि मैं कुआं हूँ, मैं कहीं कुआं हूँ नहीं, डिब्बा में सब बता देंगे वो करना बुझा को चलूंगी। ये सही है भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं चकराने वाला अरविंद हूँ, ठीक है। थाने के सामने मेरा मकान है और जिला पंचायत में आपका ही आदिवासी भैया मैंने पतंग पर चुनाव लड़ा, पतंग वाट पट्टी का आएगा। हाँ, तो वो पतंग पे चुनाव जीत गया, ठीक है। अब जीत गया तो लोगों की इच्छा होती है कि जीत के कोई नहीं आती, तो कोई आवे का नहीं जाता आज तक, कोई आवे का कब। तो जीत गए कहा है ना, तो जनपद आती ना सरपंच आतू ना MLA आतू ना जिला आतू ना सांसद आतू, क्योंकि वोट लाए 15 दिन तो तुम्हारी गली गली में घूमेंगे वोटर के चक्कर में, और वोट लाए तो के बाद फरार होनी तुम बिन्ने ढूंढो 5 साल भाई, 5 साल होनी तुम बिन्ने ढूंढो, लेकिन 15 दिन तो वे तुम्हारी गली ने टपरन ने टपैया ने सब ने देखे आएंगे, और 15 दिन वे उन्हें 5 ही वे बैठता नहीं तो नई बबू बन गए और 5 ही जाता का नहीं, और वोट जीतवे के बाद में अभी सियाने पे 5 चिप्पाते हैं चिप्पातेगा, लेकिन नो बताओ मुझे कि वो जनता का सेवा के तो लगन भैया जीत के अभी सेवा कराओ, जनता की सेवा करो, देखो बने ये तो जीत गए और राजा बन गए। अब तुम मैंने ढूंढो, तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली बार हो रहा है कि जीत के कोई आप तुम्हारे बीच में ऐसे आओ का बताओ, आज तो तुम्हारी बस्ती में जीवन और वोट डाप तो हो गई, अब हम आओ गए ऐसे। मुझे एक बात बताओ, एक एक वोट है, तुम वोट डार में जब जाते हो तो एक एक बेचारा सियानो बुजुर्ग आदमी अम्मा अपने पोलिंग बूथ तक वोट डालने जाती है, तो अपना भी भर जाएगा उनके वोट का सम्मान पहुंचाना, क्या सिर्फ वोट लेने का ही अधिकार है, सम्मान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, है? तो ये क्या करते हैं नेता, सिर्फ वोट लाए और गए फरार, अब तुम बिन्ने ढूंढो। पर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज अपने आप सुधार नहीं है, ठेकेदार मिल जाते हैं इन चुनाव में और तुम्हारी ठेकेदारी लाई और वोट डरवाए और फ्री भाई, तुम्हारी कोई नहीं सुना है, और ठेकेदार का कहते हैं तुम कंट्रोल दबा दे, और तुम्हारी लड़ाई की नहीं क्या होगा, मन हमारी कुटी का नहीं बन रही, हमारी भैया पेंशन नहीं बन रही, क्या मरने भैया क्यों नहीं मिल रहे, कमो तुम्हारी लड़ाई लड़ी है नहीं, वो क्या करेगा बस कंट्रोल दबा दे वो ठेकेदार,
उसके बाद तुमने नहीं पूछे हो तो तुम्हारा तो सिर्फ वोट का उपयोग करते हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपके बीच में भलाई में चुनाव में नहीं आऊँ, लेकिन आपके बीच में मैं इसलिए आऊँ है कि आपसे मिलने आऊँ है, जुड़ने आया हूँ। गाय के चक्कर में कि आज तुम्हारी हमारी पहचान हो जाएगी तो तुम मोहतक आने में झिझकोगे नहीं, शर्म नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे रोकेंगे अरविंद भैया मैं बीच में आया, अब तो हम चाहे अब चले जाएंगे, तुमको ये तलाश में की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं और ना मैं बाको आओ के मोए भैया के अब मैं जीत गो तो मुझे माला डरवानी है, नहीं तो मैं सेक्रेटरी सरपंच ने लगा दे तो फोन हो दो माला मंगवा देते और डरवा देते। नहीं, जैसे वोट मांगने जाते हैं बस्ती में जैसे ही मुझे बस्ती वालों के बीच में जाना है, सबसे मिलना है, सबसे जुड़ना है, जिससे इनकी एक जिजा कटे, चार बातें बेबी बिनकी भी मैं सुनो। और अपन ने है ना ये जो सरपंच और ये MLA कई को बनते हैं विकास करने के लिए, घर बैठ भी नहीं बने, लेकिन गायब। तो दादा मैं इसलिए आवे कि तुम्हारी कुटीरन की लिस्ट भी बनेगी, ये ठेकेदारन के चक्कर में मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, ठेकेदारन डायरेक्ट बात करूंगा तुमसे, ठेकेदारी हटाओ, देखो आओ मैं, समझ गए आप। थाने के आगे मेरा मकान है, वाटर कूलर लगाए पानी पिया, बैराड़ रोड पे कभी गए हो तो वो तुम्हारी सेवा कार्य मैंने लगाओ, क्योंकि जनता बेचारी प्यासी जाती है, वहाँ पर पैसा भय नहीं भय पानी पानी खरीद पर है, तो मैंने कही जनता बेचारी प्यासी है पानी लगाऊ, क्योंकि ऐसे बेतक जाओगे तो प्यास तो लगे आएगी गर्मी में, तो सेवा की भाव रखना चाहिए हमेशा जनप्रतिनिधि को, लेकिन वे तो गायब। तो इसलिए मैं आओ कि जब मिठाई माने मेरी काम राम है तुमने कहा मेरी भाई, आज मैं चुनाव लड़ो नहीं लड़ो कल आगे चल गए, लेकिन तुम इतने तो कह देंगे चुनाव में वे नेतन जी के भैया चकराने वा अरविंद आओ और कोई नहीं आओ आज तक जीत गए द्वारा में, तो फिर नेतन ने अब खुजली और लगी अब बिन ने सुधार करेंगे अपन, अब बिन ने आना ही पड़ेगा अब सबन ने ऐसे आगे चल के, देखो तुम देखो मैं घूम रहा हूँ और आज मुझे 4 महीने हो गए, 15,000 घर तक गया हूँ मैं, तुम्हारी एक एक बस्ती में घूम रहा हूँ मैं, हर समाज में जा रहा हूँ, हर जाति में जा रहा हूँ, कई के चक्कर में कि सिर्फ सिर्फ अपन वोट का एक सम्मान, जब एक एक आदमी ने वोट दिया है तो अपना प्रजे का एक एक वोट का सम्मान पहुँचाना। आज अपन शादी में जाते हैं का तो क्या खाना कहाँ पे जाते हैं, माने बेचारे ने निमंत्रण दो, देखो मान सम्मान के लिए जाते हैं तो मान सम्मान हर आदमी का होना चाहिए, तो चुनाव में भी मान सम्मान होना चाहिए। देखो जब मैंने डिब्बा बनाओ फोरी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या आपका उद्देश्य है? पहले तो मैं मीडिया को सभी को बैराड़ पौरी की समस्त पौरी विधानसभा की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आए उसके विरोध में जो पलटवार करना चाहता हूँ वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, टिकट के दावेदारों की घोषणा होनी है, इस उद्देश्य में आपका भी लगातार आप क्षेत्र में पहुंच रहे हो, पार्टी में कार्य कर रहे हो और कई पदों पे आप कार्यरत रहे हो, ऐसे में आपकी क्या स्थिति बन रही है, पार्टी से आपके टिकट की कितनी संभावनाएं बन रही है और अगर आपको टिकट मिलता है तो उस स्थिति में क्या स्थिति रहेगी? देखो मैंने जब से सदस्यता ली है लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, ये आपको भली भांति है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि टिकट मुझे मिले या किसी भी भाई को मिले, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा प्रत्याशी होगा आद का पंजा, जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उससे ये सवाल जवाब करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा सरकुला डैम को लेकर, जो कि वर्तमान में जो राज्यमंत्री हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आपने भरे मंच पर जनता के बीच में बोला था कि 50% तक अगर काम भी नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप ये जनता को क्या जवाब दोगे? दूसरी बात, आपने डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया,
तो आपको आपका डबल इंजन का एक पहिया या तो पंचर हो गया या कमीशन कोरी के चक्कर में ये काम लेट हुआ है, ये मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े ही सटीक बैठते हैं, हर बार पार्टी जातियों, जैसे पिछली बार भी धाकड़ वर्सेस धाकड़ हुआ, क्या इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही धाकड़ से लग रही, तो इस बार आपकी कितने चांसेस हैं? मैं इन बातों को तो बहुत कम मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना होता है कि पौरी क्षेत्र में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी आए, जाति को लेकर कोई समीकरण नहीं होते, ये तो सिर्फ क्षेत्र में कुछ चंद लोगों की वजह से ये समीकरण बनाए दिए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछली बार भी जब 2018 में चुनाव हुआ, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, पौरी से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, ना कि सुरेश राणकेरा जीते, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पर झूठे आरोप लगाए कि हमारी वो सुनते नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता ने आपको जिताया, आपने जनता के जनमत को बेचकर 35 करोड़ लेकर और आपने इस्तीफा दिया, आप पुनः उपचुनाव में आए, उपचुनाव में आपने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झूठे वादे किए, जो गांव-गांव जाकर वादे किए। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन वादों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया, तो आप किस माध्यम से जनता को कैसे जवाब दोगे, ये जनता ही जानेगी, ये जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी। किन वादों के साथ आप जनमत के साथ उतरे हैं, आप क्षेत्र में पहुंचते हैं, आखिर क्या वादे रहते हैं, किस मंशा के अनुरूप अगर लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे? क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जो कि आज हर व्यक्ति के बीच में खड़ा है वो मुद्दा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तहसील में जाइए नामंत्रण को लेकर तो गैर रिश्वत के नामंत्रण नहीं होता, जनपद में जाइए हितग्राही को तो हितग्राही गैर पैसे के काम नहीं करा पाता, हॉस्पिटलों में जाइए तो प्रसूताएँ महिलाएँ जब डिलीवरी होती है तो गैर पैसों के काम नहीं होते, आप कहाँ जाओगे? भ्रष्टाचार चारों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। तो पौरी क्षेत्र में बीजेपी के राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त 3 मंत्री होते हुए भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, तो ये मैं इनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में किस मुँह से जाएंगे, जनता जवाब देगी इसको। आपकी संभावनाएं जिस तरह से देखी जाए लगातार बढ़ती जा रही हैं, और क्षेत्र में जिस तरह से आपके लगातार आप भी भ्रमण और तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसे में अगर आपका टिकट नहीं होता या पार्टी नहीं करती है, उस ओर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैंने आपको बता दिया, टिकट किसी भी भाई को हो, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ के पंजे के साथ क्षेत्र में जाऊँगा और कांग्रेस पार्टी का काम करूँगा। आपने तो को बताया गया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य, भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गांव-गांव रोड हैं और कई ऐसे विकास कार्य हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह बीजेपी का सामने से कहना है, इसको लेकर आप क्या क्या कुछ? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जेब में नरियल रख के चलते हैं, सिर्फ झूठे वादे जो गांव-गांव जाके कर दिए उनको जनता को गुमराह करके नरियल फोड़ दिए जाते हैं कि हमने ये काम को स्वीकृत कर दिया, बाकी और कोई काम नहीं। जब क्षेत्र में जाते हैं, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप, ऐसा कोई दिन नहीं है, आज लगातार मैं एक साल से यहाँ का रिकॉर्ड नहीं करवाइए, पौरी ताने का, बैराड़ ताने का, चर्च ताने का, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चोरी वारदात की FIR नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए कि कभी कोई कार्रवाई हुई है? चोर पकड़े जाते हैं तो बीजेपी के लोगों द्वारा फोन लगा के छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो किसी का ताला तोड़ दिया हो, चाहे किसानों की फसल का चोरी हो गई हो। एक मिनट इसको काट दो यार। चोरी के मामले में आप देखिए तो दिनादिन भैंसों की चोरियाँ हो रही हैं, बकरियों की चोरियाँ हो रही हैं, किसी दुकान के ताले टूटे जा रहे हैं, किसी भी मकान के ताले टूटे जा रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई है? थाने पर देखो, अगर ऐसे तैसे किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है चोर और थाने पर उसको गिरफ्तार करवा देती हैं तो बीजेपी के व्यक्तियों के फोन आते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह क्षेत्र में लगातार चोरियाँ हो रही हैं। एक बात और भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आप क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में जाइए तो रोड़ों की कितनी हालत ख़राब है, आप बमरा क्षेत्र में जाइए तो रोड़ों की बहुत बेकार हालत ख़राब है, आप नरवर बेल्ट में जाइए तो मुझे एक बात बताइए कि
पूरे मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री, रोड मंत्री बौरी को दिया है, तो आप अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए तो आप मध्य प्रदेश में क्या विकास करेंगे। और बात करते हैं कि विकास की, सिर्फ झूठा वादा, झूठे नरियल फोड़ना और कुछ नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र में जब जाता हूँ तो हमारे पौरी विधानसभा क्षेत्र में जब गरीब लोग चर्च बेल्ट में, इतने गरीब लोग रह रहे हैं, बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, कम से कम मैं ज़्यादा तो नहीं आकलन बता सकता, लेकिन 5 से 10 हज़ार व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बाहर पलायन कर चुके हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कभी विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने मुद्दा उठाया है कि पौरी क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग धंधे, युवाओं को रोजगार मिल सके, मजदूरों को मजदूरी मिल सके, ऐसा कोई मुद्दा उठाया है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी है, और आप बात करते हो द्वारा चुनाव लड़ने की, ये तो जनता जवाब देगी आपको। कितनी मजबूती से आपने दावेदारी पेश की? अभी हाल ही में जो जन आक्रोश यात्रा में आपकी दावेदारी साफ दिखाई दे रही थी, इसके बाद अलग समीकरण दिखाई, उसके और क्या आपकी? ये तो मेरी तैयारी काफ़ी दिनों से है। मैं आज पहले से भी कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस में एक विधानसभा लेवल का चुनाव होता है, उसमें उस समय से मेरी टीम है, मेरी एक आज नई टीम नहीं है, मेरी पुरानी टीम है, और पूरे विधानसभा में आज भी मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैं अपनी दावेदारी मैंने जनाक्रोश यात्रा में अच्छे प्रदर्शन करके किया।